एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइज? आप सब, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ हैं, सुरक्षित होंगे। और गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, और मतलब 5:45 हो रहे हैं, 5:45। और आप सोचोगे इतने सुबह सुबह रेडी वेडी होके, तो आज हम जा रहे हैं मुंबा देवी दर्शन के लिए, बिकॉज हमारे बेटे का आज मुंडन है। तो आपके साथ आज मैं मुंडन का ब्लॉग शेयर करने वाली, और बहुत जल्दी जल्दी में मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही, मैं चाय पी रही थी तो मैं सोची ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिए। देखो, नेल पेंट लगाना था, नेल पेंट भी नहीं लगा है। हम 5 उठे थे, और मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो मैं फटाफट हेयर वॉश की और रेडी हुई। तो मैं सोची थोड़ा आप लोग से बात भी करती, और वहाँ पे हमें पूजा भी सुननी है, तो इसके लिए हमें और जल्दी जल्दी है, वरना बहुत लेट हो जाएगा और ट्रैफिक भी बहुत लग जाएगा, तो हम काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम फटाफट निकल रहे हैं, और फिर आपके इसके बाद हम आपसे रास्ते में मिलेंगे, और हम आपको सब कुछ शेयर करने वाले हैं आपके साथ, हमने मुंडन कैसे करवाया, पूजा कैसे सुनी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलो फटाफट फिलहाल मैं निकलती हूँ, और आपसे अब रास्ते में मिलती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं, बाबू, मम्मी और डुग्गू और ये निकल गए थे, और पापा डायरेक्ट ऑफिस से उधर ही आ जाएंगे मुंबा देवी में ही, और उनकी ऑफिस जो है वहाँ से पास में ही है, तो वहाँ पे मिल जाएंगे। और मैंने बाबू को अच्छे से वीडियो बना लिया, मैं बोली आज के बाद तो एटकलू होने वाला है, तो अभी इसका अच्छे से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे जब इसके बाल थे। और आपको पता है, जैसे ही हम घर से निकले, वहाँ पे हम पहुँचे, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश होने लगी थी, और अच्छा हुआ था हम निकल गए थे, वरना हमारी प्लानिंग कैंसिल हो जाती अगर बारिश होते हुए हम निकलते। तो ये तो अच्छा था कि वहाँ पे पहुँचे तो बारिश हो रही थी, और हमने दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। और गाइस, अभी फ़िलहाल मेरे गले में थोड़ी सी दर्द हो रही है, तो मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी फ़िलहाल मैं लगा देती हूँ म्यूज़िक, आप लोग इन्जॉय करो, जहाँ बीच बीच में रहेगा मैं आप लोग को बताती जाऊँगी। Thank you.
सो गाइज़ यहाँ पे हम मंदिर में पहुँच चुके थे, बट हमें पहले बाबू का मुंडन कराना था और पूजा सुनना था, तो इसके लिए पहले हम दर्शन नहीं किए और एकदम खाली था और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हमें दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फटाक से दर्शन हो गया था। बट पहले हमने बाबू का मुंडन कराया और हम यहाँ पे जैसे ही पहुँचे थे बड़ी ज़ोरदार बारिश स्टार्ट हो गई थी और ये बारिश मैं सेकेंड डे मतलब वॉइस ओवर करें और आज तक चल रही है। हमें तो लगा था बस आएगी थोड़ी सी और चली जाएगी, बट कंटिन्यू बारिश चल ही रही है। और यहाँ पे बस बाबू का मुंडन हो रहा था और पापा गए थे मिठाई लाने के लिए। एक्चुअली जब मुंडन होने लगता है तो हाथ में बच्चे के लड्डू देते हैं, तो वही लेने के लिए गए थे पापा। और ये हमने बहुत ही अभी सिंपल तरीके से कर लिया मुंडन, क्योंकि अभी मेरी ननद भी नहीं थी और कोई था नहीं, इसके लिए हमने ही लाए। और हमारे में होता है कि मतलब साल के अंदर एक बार मुंडन हो जाता है, तो इसकी वजह से हमने एक बार सिंपल तरीके से करा लिया। अब जो नेक्स्ट मुंडन होगा वो हमारे इधर गांव में होगा, वो अच्छे से होगा, तो वहाँ पे बाबू की बुआ भी रहेंगी। तो अभी ऐसे ही हो गया था नॉर्मली, ताकि हम कभी भी मुंडन करा सकें इसका। और अभी बाबू का बर्थडे भी आ रहा है, मेरा तो मन नहीं था क्योंकि फिर बाबू अपने बर्थडे में एकदम टकलू दिखेगा, और इसका बर्थडे जनवरी में है तो देखते हैं, होप सो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इसका बर्थडे हम अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं, बट अगर सब अच्छा रहा तो। और बस यहाँ पे उसको मैं लेके बैठी थी, पहले तो ये काफ़ी खुश था, बाद में बहुत रोया तो काफ़ी परेशान किया था। डुगू इसको मोबाइल भी दिखा रहा था लेकिन इसको नहीं पता था सब क्या होने वाला है। पहले तो काफ़ी हैप्पी था, बाद में वापरे रोते रोते हालत ख़राब कर दिया था, कैसे कैसे एडजस्ट करना पड़ा। और मुझे तो मतलब लेके बैठने को भी नहीं जमता था, बट मम्मी बोली कि तुमको ही बैठना पड़ेगा, मतलब माँ ही लेके बैठती हैं, तो मैं इसके लिए लेके बैठ गई थी। और इसको काफ़ी सब इधर उधर बुला रहे थे ताकि थोड़ा हैप्पी हो जाए और रोए ना। तो और प्लीज़ आप लोग थोड़ा जो बैकग्राउंड में ये बाबू खटपिट कर रहे हैं इग्नोर करना उसको। और बस इसके बाद हम लोग बाबू का मुंडन अच्छे से करा दिए थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश का क्या हाल था, मौसम एकदम ठंडा हो गया था और अभी भी मौसम इतना ठंडा है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और इसकी वजह से मैं ज़्यादा वॉइस ओवर भी नहीं कर रही हूँ, तो इस टाइम पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, प्रॉब्लम ही। और ये देखो ये पता नहीं कितना शोर मचा रहा है साइड में, तो वॉइस ओवर में भी आप लोग को थोड़ी दिक्कत सुनने में होगी क्योंकि बैकग्राउंड में ये इसकी आवाज़ आएगी खटपिट की। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, और मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया था, फास्ट कर दिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो गाइज़ अगर आप लोग इस वीडियो में, मैंने एक्चुअली ज़्यादा कट नहीं किया है, बस मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है टाइमिंग, तो गाइज अगर आप बोर हो रहे तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, बिकॉज मैंने ये अपने एक मेमोरी के लिए रखा है, क्योंकि मुझे मतलब हम फ़ोन में रखते हैं तो डिलीट हो जाता है, बट यहाँ पे वो सेफ रहेगा हमेशा के लिए और याद एक बनी रहेगी, तो इसकी वजह से मैंने अच्छे से पूरी प्रॉपर वीडियो डाली है। तो अगर आप लोग को इसमें बोर हो रहा है तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। तो बस अब बाबू का मुंडन हो चुका था और वो काफ़ी रोया, काफ़ी रोने के बाद फाइनली डन हुआ। और यहाँ पे अच्छे से वो पाउडर लगा रहे थे ताकि बाल बाबू को चुभे ना, और हमने अच्छे से क्लीन कर दिया था, बिल्कुल भी बाल नहीं रह गए थे और अभी भी उसके बाल काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो ऐसा चुभने का डर भी नहीं था, बट हमने अच्छे से निकाल दिया था। और इसके बाद हमने यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनी थी, कथा मम्मी मतलब हम जब भी डुग्गू भी हुआ था तब भी हम यहाँ पर आके सत्यनारायण भगवान की कथा सुने थे, और अभी भी बाबू के टाइम पर भी। और यहाँ पे बस पंडित जी कथा सुना रहे थे, एक्चुअली ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो अच्छे से सुना दिए थे कथा, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। वैसे आप लोग को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे पंडित जी कर रहे थे गठबंधन, पूजा करने से पहले गठबंधन करते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके बाद पूजा कथा स्टार्ट होती है। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ बताना ज़रूर, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और ये किच कर रहा है, तो चलो आप लोग वीडियो इन्जॉय कीजिए। तारा बलम चंद्र बलम अठम द्रवीराराठम सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम गौरी गणेश पूजनम मार्का पूजनम वर्ण पूजनम तदुपरांता सत्य नारायण प्रतिभायां ब्राह्मोद्वारम अहम संकल्पम कारिष्ये। हरि ओम ओम जाग्रतो दूरमुदैति कैवल्य सुतपदैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिलेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से माता गौरी जी से आवाहन करेंगे। हरि ओम ओम गणानांपा गणपति गुंघवामहे प्रियाणांपा प्रियपति गुंघवामहे निधीनांपा निधिपति गुंघवामहे वशो ममयाहम जानि गर्भधामान जाचि गर्भधामा अम्बे इन्द्रार्धाजफलाशन्तु पूर्णाशन्तुमूर्धा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां बुधयस्तवः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां बुधयस्तवः।
तो अब यहाँ पे हमारा मुंडन करा के भी बाबू का और पूजा सुन के हो गया था। अब हम दर्शन के लिए जा रहे थे, पिछले मंदिर जस्ट बगल में थी बट हमें पूरा घूम के आना पड़ा, उल्टी साइड से नहीं जाने देते हैं। और हम यहाँ पे आ गए थे और इसके बाद जो है यहाँ पे एकदम खाली था मंदिर, ज़्यादा भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं थी, तो हम फटाफट यहाँ पे दर्शन हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और यहाँ पे साइड में एक मन्नत वाले शंकर भोलेनाथ का मंदिर है, तो हम वहाँ भी गए थे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आके प्रसाद लिए और इतना फटाफट हो गया, मतलब पहली बार मुंबा देवी में इतनी जल्दी दर्शन हुआ है, मतलब इसके पहले हमने कभी भी इतना जल्दी दर्शन नहीं किया था। और हमें कुछ लेना भी नहीं था, सिर्फ हमने सिंदूर टिकली ये सब थोड़े बहुत प्रसाद के लिए ले लिए, बाकी कुछ नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हम फटाफट करके निकल गए थे, तो यहाँ पे बस हम आ गए थे, बैठ गए थे गाड़ी में। और इसके बाद हम नाश्ता करने के लिए चले गए थे होटल में, क्योंकि सुबह सुबह सब बिना खाए पिए निकले थे, तो नाश्ता ज़रूरी था। और मैंने भी अपनी दवा ली थी, मुझे दवा भी खाना था, बट अचानक से मेरे कमर में इतना दर्द होने लगा था कि मैं दर्द की वजह से मैं खा भी नहीं पाई थी, आप मेरी हालत देख सकते हो। ये है मुंडन वाला लड़का, रानी रानी टिकली हो गई अपने बच्चे तक। चलो खाओ। गाइस हम घर पे आ चुके हैं और आके हमें, मतलब हम 12 बजे आए थे और अभी का टाइम हो रहा है 5:30। और आप सोच रहे होंगे मतलब 12 बजे आके और अभी हम कैमरा उठा रहे हैं, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। और इसके बाद हम एकदम थके थके से लग रहे थे एक्चुअली, सुबह उठ जल्दी भी उठ गए थे और फिर खाना भी बनाना था, पापा को ऑफिस भी जाना था, तो हमने फटाफट खाना पीना बनाया, खाए और इसके बाद सो गए। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, इसकी वजह से मैं आप लोग से बात भी नहीं कर पाई और ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई। तो अब भी मैं सोची चलो फिलहाल ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और अभी मैं जा रही थी डॉक्टर के पास, मेरा अपॉइंटमेंट है दिखाने के लिए, और तो मैं सोची अभी मैं पहले अपने वीडियो का एंड कर देती हूँ और आप लोग से बता देती हूँ कि हम घर पर आ गए हैं। और आप लोग को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, मुंडन का ब्लॉग। और अभी हमने क्या किया है कि मतलब मैं स्टार्टिंग में तो आपसे बात नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी में थी। हमारे इधर होता है कि आप लोग सोचेंगे कि मतलब बिना बुआ के और कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मली मुंडन करा लिया, बट साल के अंदर कराना था, नहीं तो जनवरी में बाबू एक साल का कंप्लीट हो जाता, फिर नहीं होता फिर तीसरे में होता है। लेकिन मम्मी बोल रही थी कि एक साल के अंदर करा देंगे तो सही रहेगा, फिर कहीं जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो हमारे में बोलते कि मुंडन नहीं हुआ रहता है तो बच्चे को दिक्कत होती है कहीं जाने आने में। तो इसकी वजह से हमने टेम्परेरी करा दिया एक बार। अब इसके बाद हम मेन हमारा मुंडन जो होता है हमारे यहाँ गाँव में होता है, अगर हम गाँव में अच्छे से कराएंगे फिर बाबू की बुआ भी आएंगी, सब कुछ फिर वहाँ अच्छे से होगा। अभी ये टेम्परेरी हो गया, अब इसके बाद हम कभी भी करा सकते हैं, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में, जब हमारा मन करेगा, जब भी हम गाँव जाएंगे तभी हम मुंडन अच्छे से करा सकते हैं बाबू का। तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होंगे, जो भी प्रोग्राम होना रहेगा वो सब होगा। तभी फ़िलहाल ये नॉर्मल तरीके से था जो कि हो गया है, और बाबू भी काफ़ी परेशान, उसको भी सर्दी वगैरह हो गई है, तो ये देखो उसकी दवा भी रखी हुई है, भी हमने उसको मेडिसिन भी दे दिया था। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपना दिखाने के लिए, एक्चुअली मेरे को बैक पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। और अब मैं आप लोग से मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।